विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी एक बार फिर शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यह मौका था राजसमंद जिले की जूणदा पंचायत में आयोजित 30वीं जिला स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक खो खो खेल प्रतियोगिता का। डॉक्टर सीपी जोशी ने इस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। समारोह में जोशी ने कहा कि स्थानीय सरपंच ने जूणदा खेड़ी माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग की है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भेजें। इससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर में सुधार होगा, साथ ही पढ़े लिखे ग्रामीण राज्य सरकार की योजनाओं का अच्छे से लाभ भी ले सकेंगे। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्टवाल ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि खेल स्टेडियम के लिए 80 लाख रुपए की राशि 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 17 और 19 साल के छात्र छात्रा वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में राजसमंद जिले की 41 टीमों के 480 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। 19 वर्ष की छात्र प्रतियोगिता के पहले मैच में पनौतिया ने राजनगर को हराया, जबकि दूसरे मैच में आईडाणा ने घोड़च को हराया। करके इस शिक्षा के परिवर्तन को समझे और सभी माँ बाप ये प्रण लें कि अपने बच्चों को कम से कम हमारी पंचायत में जितनी क्लास है, 10वीं तक तो आज हर पंचायत में स्कूल हो गई है, 10वीं तक बनाने का जिम्मेदारी लें। तब मिठुनाथ जी सड़क बनवानी हो, स्टेडियम बनाना हो, सब सेंटर खुलाना, सब आ जाना, बाकी कोई काम मैं नहीं करूंगा। ये सब जगह बोल रहा हूँ कि 70 साल हो गए, 70 साल में अब ये कड़ी बातें कहनी पड़ेगी। क्या एमएलए साहब सड़क बना दो, एमएलए साहब स्कूल खुला दो। देखो तनख्वाह किसके लिए मिलती है, गांव के स्कूल खुल गई, 9 बच्चियां यदि 10वीं क्लास में पढ़ रही है तो 9वीं क्लास 10वीं क्लास में कितने मास्टर पता है? एक हेड मास्टर होता है, सेकंड ग्रेड के अध्यापक होते हैं, थर्ड ग्रेड के अध्यापक होते हैं, उस स्कूल में हिसाब किताब लगा हुआ है। तो सरकार शिक्षा के लिए कम से कम लाखों रुपए की तनख्वाह एक महीने में दे रही है, 12 महीने का हिसाब किताब लगा हुआ है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स का पैसा आ रहा है। टैक्स कौन दे रहा है? गांव का गरीब आदमी दे रहा है। कपड़ा खरीदा तो टैक्स लग रहा है, सामान खरीदा तो टैक्स लग रहा है। उस टैक्स के पैसे से सरकारी आदमी को तनख्वाह मिलती है तो पढ़ाने का काम करेगा, और हम बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं भेजे तो स्कूल खुलाने का फायदा क्या?